हम पौड़ी शहर का जो फेमस मंदिर है क्यू कालेश्वर मंदिर, शहर से 0.3 किलोमीटर की दूरी पे है, तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी पे है और समुद्री तल से काफी हाइट में है। ये देखिए दोस्तों, ये है मंदिर का कुछ इस तरह का दृश्य। जैसे सुबह उठा तो आज का मौसम बिल्कुल बेकार और चारों तरफ यहाँ पर धुंधी धुंध लगी हुई है और कल की बहुत ही भयंकर बारिश आई है। ये देखिए पूरी रोड़े में पूरे मलबा जैसा आ रहा है। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। स्वागत है मेरे ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करूँ दोस्तों मैं 7:30 बजे से। आज दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि अपनी पौड़ी शहर क्यों अपने आप एक फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर हर चीज़ की सुविधा है। साथ ही यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ऐसे मंदिर भी हैं जिससे कि पौड़ी खुद में खुद अपने आप एक नंबर वन है। बच गए दोस्तों 8:15 और मैं आ गया हूँ यहाँ पर, जहाँ पर कि मैंने एक क्लास ज्वाइन करके है सुबह सुबह की, वो है कंप्यूटर की। तो पहले करता हूँ कंप्यूटर, उसके बाद दिखाता हूँ अपना पौड़ी का खूबसूरत सा नज़ारा। ये है पूरा अपर बाज़ार। अपर बाज़ार की गली देखिए, अभी सुबह सुबह दुकानें नहीं खुली यहाँ पर बिल्कुल, अभी है कुछ कुछ दुकानें खुली यहाँ पर। और मैंने जाना भाई दोस्तों यहाँ से ये वाले कंप्यूटर में ऊपर। तो ये है हमारी कंप्यूटर क्लास। तो फाइनली छूट गई दोस्तों मेरी कंप्यूटर क्लास और अब चलते हैं सबसे पहले जिला अस्पताल की तरफ, जहां पर मैं दिखाता हूं कि कहां पर हमारा जिला अस्पताल है पौड़ी का। अभी ठीक सामने आ गया हूं दोस्तों मैं, जो कि हमारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो जिला अस्पताल था ये था सरकारी, लेकिन यहाँ पर इंद्रेश वालों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस में यहाँ पर 3 साल के लिया, जो कि अभी भी यहाँ प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है। तो काफ़ी यहाँ पर फैसिलिटी दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह का यहाँ पर जो जिला अस्पताल था अभी बन गया वो इंद्रेश वालों के कॉन्ट्रैक्ट का हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो पौड़े के इर्द गिर्द वाले जो गांव हैं, अगल बगल के जो दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर एक बूढ़ी जी मिल गई मुझे, कहाँ है, कहाँ की बूढ़ी जी आप? अच्छा अच्छा, तो आज इस हॉस्पिटल में, तो कैसे लगे आपको हॉस्पिटल की सुविधा? अच्छी है कि नहीं है आपको? कैसे लगा? अच्छी नहीं। तो डॉक्टर कुछ इलाज नहीं कर रहे हैं? इलाज करना दवाई नहीं लिया आपने? दवाई नहीं लिया मैंने, दवाई को फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको ठीक लगा? ना अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। बूढ़ी तब अगर यहाँ नहीं होता तब दूसरी जगह जाना देर दून वगैरह ना। हाँ ठीक है। तो बॉडी जी से यहाँ पर बात की मैंने, तो बॉडी जी कह रही है यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं पहले बहुत मतलब जब किसी पेशेंट आता था तो उसको अच्छी तरह जांच करते थे, मतलब देखते थे, अभी उस तरह का कुछ नहीं देख रहे हैं मतलब। और बॉडी बोल रही कि हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, इन्होंने पूछा तो उन्होंने जो पर्ची होती दवाई की वही फाड़ दी। दोस्तों जो पौड़ी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा अवेलेबल नहीं होता, जिनकी वजह से कि जितने पेशेंट्स यहाँ से उनको बाहर ही जाना पड़ता है देहरादून वगैरह, इसलिए लोग यहाँ पर कम आते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर रहते नहीं हैं। ये क्या कारण इसका, ये तो प्रशासन है वही बता सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं रुकते और यहाँ पर और चीज़ों की फैसिलिटी क्यों नहीं, जैसे कि आपके बड़ी बड़ी मशीन MRI मशीन जो भी यहाँ मेडिकल है वो यहाँ पर आधा से फैसिलिटी कम है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पौड़ी का हॉस्पिटल है वो थोड़ा लोग यहाँ पर कम ही आते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग देहरादून भारत ले जाते हैं। तो ये है भाई कुछ इस तरह का रास्ता। तो अभी यहाँ से जाना है मुझे आगे, तो यहाँ पर गार्ड भी लगी है तो शायद पूबा मोबाइल तो अलाउड होगा, लेकिन पूछता हूँ तो दिखाता हूँ पहले आपको किस तरह का यहाँ पर हॉस्पिटल, तो काफ़ी बड़ा है ये। तो ये है दोस्तों जिला अस्पताल पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर जो ये एम्बुलेंस है ये 24 आवर्स अवेलेबल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूरी खड़ी हैं और इस तरह भी खड़ी हैं ये। मैं गेट के अंदर एंट्री करा था, यहाँ पर जो गार्ड वाले सर हैं तो उनसे परमिशन लिया मैंने, जरूरी समझा कि यहाँ पर मैं बना सकता हूँ बना सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि भारी बार मुझे बनाना है। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको किस तरह का यहाँ पर जो हमारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर जो अस्पताल है, जिसको कि है तो सरकारी लेकिन इसमें अभी इंद्रेश ही इसको पूरा कार्यभार इसमें कर रहा है। तो अभी देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी है। तो अभी दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने अभी बाहर आपको दिखा दें पूरा ये कि यहाँ पर जो जितने भी एम्बुलेंस हैं देख रहे हैं आप, ये 24 आवर्स में अवेलेबल रहती हैं। और ये है भाई मेन गेट, ये देखिए यहाँ से, तब यहाँ से चलते हैं पहले अंदर। तो यहाँ से गए हम अंदर तो कुछ इस तरह का है ये हॉस्पिटल, ये देखिए। तो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये देखें। तो यहाँ पर सामने ही इमरजेंसी अस्पताल की सेवा है और यहाँ पर होता पंजीकरण। तो चलते हैं आगे दोस्तों, सामने हो रहा पंजीकरण काउंट, जहाँ पर के लोग आते हैं और अपना यहाँ पर नाम पर्ची काटते हैं, उसके बाद डॉक्टरों से मिलते हैं। तो ये है कुछ इस तरह का हॉस्पिटल।
पहुंचे दोस्तों मैं रामजिला ग्राउंड में, जहां पर की रामजिला पौड़ी का जो रामजिला ग्राउंड है। और यहां पर सर्दों समय देख सकते हैं आप यहां पर कितना खूबसूरत यहां पर रामजिला ग्राउंड। जब पहले कुछ साल पहले यहां पर ऐसे ही नॉर्मल था, लेकिन अभी काफ़ी डेवलप हो गया है। देखिए यहां पर एक सिया राम मंदिर भी बन गया यहां पर, बड़ा अच्छा है। और यहीं पर जो सर्दोत्सव के टाइम पर जो यहाँ पर रामलीला होती है तो इसी इलाके में होती है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी जगह यहाँ पर बैठने के लिए, ये तो यहाँ से लोग देखते हैं। अभी भी ये प्रचलन है, ये है रामलीला ग्राउंड। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये है अपर बाजार का कुछ इस तरह का मार्केट, ये देखिए पूरा, सभी दुकानें लगभग खुल चुकी हैं। और मैंने जाना दोस्तों यहाँ से आगे। अब चलते हैं दोस्तों जहाँ पर कि पौड़ी का एक सुंदर सा पार्क है, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही राहत दिलाता है। लेकिन अभी बरसात के टाइम पर थोड़ा वहाँ पर ठंड लगती है, तो वहाँ पर जो प्रशासन ने काफ़ी सुविधा और बच्चों के लिए करीब पार्किंग बना दिया है। तो वहीं पर हमारे कंडोले देवता का मंदिर भी है, और उसकी बात दिखाऊँ के और जगह। तो चलते हैं दोस्तों कंडोले की तरफ। अभी निकल पड़ा हूँ दोस्तों मैं कंडोले वाली भयंकर चढ़ाई, ये है 30 डिग्री वाली चढ़ाई। ये वाली देखो खड़ी चढ़ाई है भाई ये वाली। अब बारिश ही बिल्कुल हल्की हल्की बूंदें यहाँ पर आने लगे हैं, तो शायद बारिश मेरा पूरा मज़ा किरकिरा ख़राब कर सकती है। तो ये है कुछ इस तरह की चढ़ाई, और हॉस्पिटल छुट गया दोस्तों नीचे, ये देखिए। तो बारिश की जो बूंदें हैं बिल्कुल फुर आ रही हैं, बिल्कुल हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, तो शायद ये बड़ी हो सकती है। पहुंच गया हूँ दोस्तों मैं कंडोले वाली जगह पे, जहाँ पर कि देवदार ये लंबे लंबे और बांस के लंबे पेड़ है। इस खूबसूरत जगह पर है भाई कंडोले पार्क। तो दोस्तों ये चले देवपरा के लिए चली गई, और ये जाती दोस्तों रांची के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ रांची 1300, यानी 1300 मीटर दूरी पर है यहाँ पर रांची का फील्ड क्यू कालेश्वर मंदिर। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्यू कालेश्वर मंदिर, ये क्यू कालेश्वर मंदिर का बोर्ड लगा हुआ है, और यहीं से मुझे जाना है। चलते हैं आगे फिर। ले चलता हूँ दोस्तों आपको पार्क की तरफ, जहाँ पर बड़ा खूबसूरत पार्क है। अभी पहुँच गया दोस्तों मैं बिल्कुल कंडोले के पार्क के पास ही खड़ा हूँ, जहाँ पर बड़ा खूबसूरत पार्क है। तो ये है कंडोले पार्क, जहाँ पर कि अभी कुछ बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो खूबसूरती है सबसे देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े देवदार के पेड़, और ये चीड़ के पेड़ और बांस के पेड़ भी मिक्स है इसमें ज़्यादातर। तो ले चलता हूँ अंदर की तरफ जहाँ पर पार्क है। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर आई लव पौड़ी, हमारा पौड़ी का खूबसूरत कंडोले पार्क। और ये है भाई एक छोटा सा रिसोर्ट बना हुआ यहाँ पर, जहाँ पर जो लोग आते हैं तो यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह डिनर्स लंच सभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अंदर भी दिखाऊंगा अभी, तो दिखाता हूँ बाहर का दृश्य। तो बाहर का कुछ इस तरह का दृश्य देखिए यहाँ पर। अभी भी कोई यहाँ पर मूवमेंट्स नहीं है देखिए यहाँ पर, क्योंकि पहाड़ों में अक्सर ऐसे, क्योंकि अभी है बरसात का सीज़न और स्कूल टाइम भी है, तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर देखिए। पर भाई जो पार्क है बड़ा खूबसूरत, जंगलों के बीच में कंडोले पार्क बड़ा प्यारा लगता है देखिए यहाँ पर। तो गर्मी के टाइम पर काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, और ये कुछ कॉटेज बने हैं यहाँ पर भी। और यहीं पर दोस्तों कंडोलिया ठाकुर जी का मंदिर भी है, जो कि यहाँ पर जाना माना मंदिर है। तो यही पौड़ी गांव का कुल देवता का मंदिर है, तो इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ी रहस्यमंद कहानियाँ हैं। तो ये है जय कंडोलिया ठाकुर जी का मंदिर देखें। तो ये है मेन गेट, और यहाँ से एंट्री करते हो यहाँ पर। हर साल यहाँ पर बड़ा विशाल भंडारा होता है, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। तो मंदिर में जाने के लिए रास्ता है, बड़ा खूबसूरत सा बना हुआ है, ओवरहेड बना हुआ है यहाँ पर बारिश के बचाव के लिए। चारों तरफ यहाँ पर लंबे लंबे देवदारों के पेड़ और चीड़ के पेड़ हैं देखिए। तो पहुँच गया दोस्तों मैं कंडोले ठाकुर जी के मंदिर के प्रांगण के पास, बिल्कुल पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो इस मंदिर के पीछे भी बहुत बड़ी रहस्यमंद कहानियाँ हैं, और इस मंदिर की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है कि यहाँ पर जो साल में जो भंडारा होता है, दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं भंडारा करने। इस साल भी हुआ, लेकिन मैं इस भंडारा को नहीं कर पाया अटेंड। दूसरा, इस मंदिर के पीछे जो पौड़ी गांव के जो यहाँ पर कोई महिला शादी करके आई थी, तो अपनी कंडी के साथ वो अपने कुल देवता को लेकर आई थी। तो उस कुल देवता के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि इसका मंदिर एक छोटा सा मंदिर मेन मार्केट के पास है। उस मंदिर को बिल्कुल यहाँ पर फिर शिफ्ट किया गया, क्योंकि जो वहाँ के देवता थे उन्होंने कहा कि मुझे किसी डोमिनेंट हाइट पे और एकांत जगह पे चाहिए। तो पौड़ी का एक जो स्थान है, ये भी एक डोमिनेंट हाइट वाला इलाका है, जहाँ पर कि मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पर कंडोले ठाकुर देवता जी का मंदिर है।
और यहीं से दिखता है दोस्तों पौड़ी शहर का खूबसूरत सा नज़ारा। तो ये है दोस्तों पौड़ी शहर, खूबसूरत पहाड़ी पे स्थापित काफ़ी बड़ा शहर है। और अभी मौसम का जो हालचाल है देखिए आप, पूरे खूबसूरत पूरे बादल लगे हैं पूरे आसमान में, तो बारिश की बूंदें भी बिल्कुल गिरने लगी थी, तभी बिल्कुल थम चुकी है। यहाँ इस मंदिर में भी ज़रूर आप आएँ, कणों देवता आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। तब चलते हैं दोस्तों आपका जो शिवपीठ मंदिर है शिव जी का, वहाँ चलते हैं क्यू कालेश्वर मंदिर। अभी पहुंच गया दोस्तों मैं पौड़ी का रांसी स्टेडियम, जो कि पौड़ी शहर का बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है। यहाँ पर दो बड़े बड़े ग्राउंड हैं, एक है कंडोले ग्राउंड और एक है रांसी का ग्राउंड जो मेरे ठीक पीछे है। ये ग्राउंड जो बनाया गया दोस्तों ये है रांसी स्टेडियम, इसका नाम है, लेकिन जिसके नाम पे बनाया गया वो है शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह, जो महावीर चक्र थे, जो नोनारांग की पहाड़ियों में शहीद है, उनके नाम पे ये ग्राउंड बनाया है। वैसे इसका नाम रांसी जगह है और उनके नाम पे ये ग्राउंड बनाया गया। तो देख सकते हैं ग्राउंड की बनावट बाहर की, ये काफ़ी गाड़ी पार्किंग के लिए है, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। और यहीं पर उनकी एक स्मारक यहाँ पर बन रखा है, देखिए यहाँ पर, तो ये उनका स्मारक बना गया है देखिए यहाँ पर। तो ये है जसवंत सिंह का जी का स्मारक और ये है बड़ा खूबसूरत सा, ये है बड़ा गेट। फाइनली दोस्तों मैं अभी गेट के अंदर आ चुका हूँ, या जबकि यहाँ पर परमानेंट गेट ही बना हुआ है। तो अब बन गया ये ग्राउंड, बिल्कुल एथलेटिक वाला ग्राउंड बनेगा। तो ग्राउंड की खूबसूरती देखिए भाई, बिल्कुल नाइस लग रहा है ग्राउंड। तो ये ग्राउंड भी दोस्तों अपने पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जिले में, जो कि जो पौड़ी का शहर है उसमें ग्राउंड अपने आप में बहुत ही फेमस ग्राउंड है। यहाँ पर जितने भी टूर्नामेंट या एथलेटिक गेम होते हैं तो अब यहीं पर उनका आयोजन किया जाता है, यहाँ पर खेले जाते हैं। तो बड़ा सुंदर ग्राउंड है, तो आप इस ग्राउंड को भी ज़रूर देखने आएँ। तो अब चलते हैं दोस्तों क्यू कालेश्वर मंदिर, महादेव का मंदिर जो प्राचीन मंदिर है। निकल पड़ा हूँ दोस्तों मैं क्यू कालेश्वर मंदिर के लिए, और ये है भाई थोड़ा रोड यहाँ पर टूट रखी है, देखिए यहाँ पर थोड़ा पहाड़ों में रोड इस तरह की होती है। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पौड़ी शहर का जो फेमस मंदिर है क्यू कालेश्वर मंदिर। तो ये काफ़ी शहर से जो काफ़ी 1.3 किलोमीटर की दूरी पे है, तकरीबन 1300 किलोमीटर की दूरी पे है और समुद्री तल से काफ़ी हाइट में है। तो ये काफ़ी घने जंगलों के बीच में, यानी कि जो बांध के पेड़, चीड़ के पेड़ और देवदार के पेड़ हैं उनके बीच ये मंदिर बिल्कुल अपने आप यहाँ पर स्थापित है। तो ये है बिल्कुल एक सिद्धपीठ मंदिर है और पौड़ी के अंदर काफ़ी अपने नाम पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर तो लोग दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो अभी मैं हूँ नीचे वाले प्रांगण में, तो दिखाता हूँ ऊपर का मंदिर का दृश्य। ये देखिए दोस्तों ये है मंदिर का कुछ इस तरह का दृश्य, और आप बिल्कुल मंदिर के इर्द गिर्द देख रहे होंगे, पूरी चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं पूरी चारों तरफ। चलते हैं दोस्तों जो पौड़ी शहर का एक अपना बस स्टेशन है उसको भी जरूर दिखाऊंगा आपको। पहुंच गया दोस्तों मैं पौड़ी शहर का जो बस स्टेशन होता है, क्योंकि हर शहर के पीछे अपनी एक पहचान होती है, बस स्टेशन से ही पता चलता है कि शहर का कैसा अपना रहन सहन और शहर के लोग किस तरह के हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पौड़ी का बस स्टेशन भैया किस तरह का है। तो ये है पौड़ी का बस स्टेशन, जो कि अपने आप में एक खूबसूरती का नज़ारा है। देखिए दोस्तों तो ये जो आप छत जैसे देख रहे हैं फ्लोर ऊपर का, तो इसमें देखो काफ़ी गाड़ियां पार्किंग है, तो काफ़ी साल बाद ही मेंटेनेंस हुई। तो ये देखिए गाड़ियां यहां पर जा रही हैं
और इस तरह भी मार्केट है, तभी नीचे जाके दिखाता हूँ आप। तो ये ऊपर से नज़ारा है पौड़ी का बस स्टेशन का। तो अभी आ गया दोस्तों मैं बिल्कुल बस स्टेशन की जो सबसे ऊपर वाली छत है, जहाँ पर कुछ कार के पार्किंग की जा रही है। तो ये है अंदर आने का रास्ता और यहाँ से लोग ये पार्किंग करके ले जाते हैं। तो यहाँ पर घंटे के हिसाब से पार्किंग है शायद। तो देखिए दोस्तों कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं यहाँ पर। तो छत के ऊपर भी काफ़ी जो भाई, क्योंकि गढ़वाल में थोड़ा पार्किंग की प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं होती। देखिए ऊपर रोड पूरी मैक्सों से भरी है, जो पौड़ी से अलग दूर दूर जाती हैं, जैसे देहरादून हो गई, श्रीनगर हो गई, सतपुली हो गई, तो काफ़ी जगहों पे जाती हैं। यहाँ पर जो पूरी टैक्सियाँ लगी हैं, जो टैक्सी स्टैंड ये हो गया, और ये पर्सनल गाड़ियों की बिल्कुल पार्किंग। ये देखिए काफ़ी बड़ी पार्किंग है ये। यहाँ पर घंटे के हिसाब से चार्ज दिया जाता है यहाँ पर। तो सबसे ऊपर वाली छत में से काफ़ी सुंदर नज़ारा देखा जाता है चारों तरफ का। तो ये देखिए दोस्तों, ये चलेगी जो रोड आप ये देख रहे हैं वाली, ये वाली रोड, तो ये चलेगी श्रीनगर के लिए। और पहाड़ियों में देखिए खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल व्यू पॉइंट दिख रहा है यहाँ से। तो ये है, तो ये है दोस्तों श्रीनगर वाली रोड। तो यहाँ पर से यू टर्न करता है, तो ये सबसे ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। इसी के नीचे अभी दिखाऊँगा आपको जो ग्राउंड फ्लोर है। तो ये है पौड़ी का खूबसूरत शहर। देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ी पे यहाँ पर बसा हुआ है, और यहाँ पर सुंदर सा दृश्य दिख रहा है यहाँ पर से। दोस्तों हर शहर की अपनी पहचान अपने बस स्टेशन से होती है, जहाँ पर कि सभी लोग पहले आते हैं और उसके बाद जहाँ उन्होंने जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। तो बस स्टेशन से काफ़ी प्रभाव पड़ता है सिटी के अंदर। तो पौड़ी का बस स्टेशन बड़ा खूबसूरत है। तो ये था दोस्तों ऊपर वाला फ्लोर, ये है नीचे वाला फ्लोर। देखिए यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर रखें, क्योंकि अभी यात्रा सीजन अभी यहाँ पर बंद हो चुका था। यहाँ पर गढ़वाल जीएमओ की जितनी बसें हैं सब यहाँ पर इसके हैं, तकरीबन यहाँ पर 40 बसें ऊपर यहाँ पर आती हैं। और ये है मेन पौड़ी का स्टेशन। तो ये है दोस्तों सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, ये देखिए बीच वाला ही हो गया और ऊपर है छत। तो ये है पौड़ी का बस स्टेशन, कुछ इस तरह का बड़ा खूबसूरत बस स्टेशन है। तो काफ़ी बड़ा भी है, जिस हिसाब से शहर छोटा है लेकिन यहाँ पर स्टेशन काफ़ी बड़ा है। तो नीचे पूरी बसें, ये पूरी टैक्सी स्टैंड है यहाँ पर, श्रीनगर, कोटद्वार, सतपुली, देहरादून के लिए भी यहीं से निकलती हैं। तो ये है नीचे का ग्राउंड फ्लोर। अभी पहुंच गया हूँ दोस्तों मैं घर में, और मौसम हुआ बहुत ख़राब, क्योंकि बारिश आने वाली, बरसात में पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी घर पे आ गया हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर स्किप करता हूँ, और मैं राजा रावत मिलता हूँ ऐसी न्यू वीडियो साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।